हेलो, क्या आप फैटी लिवर की प्रॉब्लम से परेशान हैं या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई इस प्रॉब्लम से लड़ रहा है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर में स्लोली फैट डिपॉजिट होने लगता है। ये दो तरह का होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उन्हें फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉन अल्कोहलिक जो है वो जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होते हैं, डायबिटिक होते हैं या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, जिसमें ज़्यादा जंक लेते हैं, हाई शुगरी फूड्स लेते हैं, उनमें फैटी लिवर के चांसेस होते हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। आजकल एक नया रीज़न भी है फैटी लिवर का जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जैसे हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, या वो लोग जो काफ़ी टाइम से किसी तरह की मेडिकेशन ले रहे होते हैं उनमें भी फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। सभी टाइप की सब्जियाँ फैटी लिवर से फाइट करने में हेल्प करती हैं। ब्रोकली, पालक, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीटरूट, ये सब आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। थायराइड के जो पेशेंट्स हैं वो क्रूसीफर फैमिली को सॉटे, बॉयल्ड या स्टीम करके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। टोफू को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। सोया पनीर जो है वो लो इन फैट और हाई इन प्रोटीन है, सो इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल। स्प्राउट्स, दाल्स, लेग्यूम्स, इन्हें भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नट्स और सीड्स भी ज़रूर डाइट में शामिल करें, स्पेशली सनफ्लावर सीड्स, दे आर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल इन केस ऑफ फैटी लिवर। ओट्स और अदर फाइबर रिच मिलेट्स जैसे कि रागी, जौ, बाजरा, इसे भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, बिकॉज दे आर हाई ऑन फाइबर एंड एड्स इन फैट लॉस। प्री मील्स में आप ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर को ज़रूर लें। आपको एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का एक ग्लास ल्यूकवार्म पानी में घोल के लंच और ब्रेकफास्ट के पहले अपनी डाइट में लेना स्टार्ट कर दें, इससे भी बहुत हेल्प मिल सकती है। ग्रीन टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, सो ये भी फैटी लिवर में काफ़ी हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर वन, अल्कोहल। ये फैटी लिवर के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। शुगरी फूड्स जैसे कि बेकरी आइटम्स, इन्हें अवॉइड करें, जैसे केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, क्योंकि ये सारे बहुत ज़्यादा शुगरी हैं। इनसे क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगेंगे और अल्टीमेटली फैट जमा होने लगेगा। सो अवॉइड शुगरी शुगर, जो हाई शुगर प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली योर पैक्ड एंड पैकेज फूड्स। रिफाइंड फूड्स को भी अवॉइड करें, जैसे मैदा और इससे बनी हुई सारी चीज़ें, बिकॉज ये फाइबर, इनमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स अगेन रेज होते हैं। और इसके बदले आप होल ग्रेन्स अपनी डाइट में शामिल करें। रेड मीट, इसे भी आप अवॉइड करें, बिकॉज इसमें बहुत सारा सैचुरेटेड फैट होता है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। फैटी लिवर के केस में कौन सी होम रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं? सबसे ऊपर है आंवला। इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी। फैटी लिवर की लिवर की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए आंवला बहुत ही बेनिफिशियल है, इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर तो आंवला का सीज़न है तो आप फ्रेश आंवला ले सकते हैं। अगर जैसे अभी समझ जाए तो आंवला नहीं मिलेगा, तो यू कैन यूज़ आंवला पाउडर ऑल्सो। कुछ भी नहीं करना है, एक चम्मच आंवला का पाउडर को आपने पानी में घोल के अर्ली मॉर्निंग ले लेना है। जिंजर टर्मरिक टी, इट इज़ ग्रेट फॉर फैटी लिवर। इसमें आपको लेमन भी ज़रूर ऐड करना है, ये एक एक्सीलेंट काढ़ा है जो फैटी लिवर के लिए है। जिंजर और टर्मरिक को आपने बॉईल कर लेना है, साथ में हल्की सी काली मिर्च ज़रूर ऐड करें। बनने के बाद इसके अंदर नींबू का रस निचोड़ के पी लें। एक गिलास वेजिटेबल्स का जूस अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। फॉर 2 to 3 days once in at least 10 to 15 days as breakfast or early morning, जिसमें आप करेले का जूस, अपना कैबेज, पालक, घिया, एश गार्ड, कुकम्बर, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। दोपहर के मील में छाछ को शामिल करें, जिसमें हींग, नमक, ज़ीरा और काली मिर्च डालकर
इसे लें। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, फैट लॉस में एड करता है, इसलिए फैटी लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एलोवेरा का जूस भी फैटी लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वीट ग्रास जूस ये भी फैटी लिवर में बहुत बेनिफिशियल है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बट आज इस वीडियो के एंड में मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज हो सकता है अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं आपके कहीं फैमिली और फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। स्टे फिट, हेल्दी एंड हैप्पी।